हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कमीज या कुर्ती कटिंग करने से पहले हम किस तरह से बॉडी में मेजरमेंट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया है, तो मैं बताती हूँ क्या क्या लेना है। लेंथ, शोल्डर, चेस्ट, बस्ट, वेस्ट, हिप, आर्म होल, स्लीव लेंथ, स्लीव राउंड, फ्रंट नेक और बैक नेक। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये मेजरमेंट्स बॉडी के ऊपर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी वीडियोस हम डाल रहे हैं ये स्पेशली बिगनर्स के लिए ही है, तो बिगनर्स इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल में आप कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कमीज की लेंथ लेंगे, तो उसके लिए हम मेजरिंग टेप को इस तरह शोल्डर के ऊपर प्लेस करेंगे, बिल्कुल सीधा देखिए, और इसको इस तरह से सीधा आप ले जाइए नीचे तक, आपको जितना भी लेंथ रखनी हो। ठीक है, अगर आपको ये सूट की लेंथ रखनी है जिसमें 38.5 है तो यहां तक आप रखिए, अगर इससे नीचे लेना है तो इस तरह से आप ले सकते हो। अगर गाउन के लिए आपको लेना है तो आपको नीचे तक लेना है, इसको बिल्कुल फ्लोर में टच मत कराइए, यहां तक ही आप रखिए। ठीक है, इस तरह से आप छोटा लेंथ भी कर सकते हो, जहां तक आपको चाहिए वहां तक। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे शोल्डर का नाप। शोल्डर के लिए हम बिल्कुल यहां से देखेंगे यहां तक, जो ये दोनों बोन होती हैं शोल्डर के, बिल्कुल वहीं पर आपको लेना है, यहां पर प्लेस कीजिए। ये सूट का भी जो शोल्डर है तो यहां पर ये परफेक्ट है, तो आप इसी को भी ले सकते हो। यहां पर 14.5 आ रहा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहते हैं बोन टू बोन तो यहां पर ये 15 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से शोल्डर का मेजरमेंट लिया जाता है। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट के लिए। ठीक है, चेस्ट के लिए हम देखेंगे यहां पर, हाथ सीधा कर लीजिए, इस तरह से आपको चेस्ट का लेना है। बहुत ज्यादा आपको टाइट नहीं करना है, ना तो बहुत ज्यादा आपको लूज करना है। ठीक है, यहां पर इनका 34 इंचेस आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा लूज है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर चेस्ट। इसके बाद हम आते हैं बस्ट पे, तो सबसे पहले हम शोल्डर टू देखेंगे, बस्ट का जो है वो कहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर बस्ट 11 इंचेस पे आ रहा है, तो हम अभी बस्ट राउंड नाप लेते हैं। बस्ट यहाँ पर 35 में आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे वेस्ट पे। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपको शोल्डर पे प्लेस करना है, और नीचे आपको देखना है, ये बस्ट के नीचे होता है, यहां पर इनका आ रहा है 15 इंचेस पे आ रहा है। ठीक है, हम यहां पर वेस्ट राउंड मेजर कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से आपको मेजर करना है, यहां पर इनका आ रहा है 30। ठीक है, हम इसको नोट कर लेंगे। अभी हम हिप के लिए देख लेते हैं, हिप हमारा कहां पर आ रहा है। ठीक इसी तरह से हम शोल्डर पे आप रखेंगे इंच टेप को, और सीधा आप देखिए 22 इंच पे इनका हिप आ रहा है, तो हम यहां पर वेस्ट के नीचे से ही हम इसकी गोलाई नाप लेते हैं, इसका राउंड। ये देखिए हिप जो होता है ये हमारा थोड़ा सा हेवीएस्ट पार्ट होता है बॉडी का, तो हम इसी तरह से ही इसको मेजर कर लेंगे। इनका आ रहा है 39 पे। ठीक है, अब हम इसको नोट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं आर्म होल पे। ठीक है, आर्म होल के लिए हम इस तरह से मेजरिंग टेप को पकड़ेंगे और इसी तरह से आप नापेंगे। इनका आ रहा है 17। इसको बहुत ज्यादा आपको टाइट नहीं करना है, ना तो थोड़ा ज्यादा लूज भी छोड़ना नहीं है, इसको आपको स्टैंडर्ड पकड़ के रखना है। यहां पर 17 इंचेस पे आ रहा है, तो मैं इसको नोट कर लूंगी। उसके बाद हम देखेंगे स्लीव्स, जहां पर शोल्डर ज्वाइंट हुआ है ठीक इसी पॉइंट से आपको स्लीव्स के लिए मार्क करना है, मेजर करना है हमको यहां से। अगर आपको स्लीव 5 इंच की चाहिए और उससे बड़ी और थोड़ी बड़ी, या फिर फुल बाजू की भी अगर चाहिए, तो आप मेजर इसी तरह से करोगे। ठीक है, यहां पर ये 5.5 इंच की है, तो मैंने यहां पर इस तरह से मेजर कर लिया है। अब हम देखेंगे स्लीव राउंड, इस तरह से पकड़िए, यहां पर जो गोलाई है यहां पर 12 इंचेस की आ रही है। ठीक है, इस तरह से स्लीव राउंड आप मेजर कर सकते हो, चाहे आपकी अगर स्लीव कितनी भी छोटी हो
चाहे स्लीव आपकी कितनी भी बड़ी हो, ठीक इसी तरह से सेम मेथड से आपको मेजर करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे नेक पे। नेक की जो डेप्थ है, यहां पर जो शोल्डर पॉइंट है, हम यहां पर रखेंगे इंची टेप को और नीचे की तरफ देखेंगे आपको कितना डीप रखना है। देखिए मैक्सिमम आप 7.5 इंच या फिर 8 इंच तक ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते फ्रंट नेक में। ठीक है, हम यहाँ पर 7.5 इंच पे देख रहे हैं, ये जो फ्रंट नेक है 7.5 इंच पे है। ठीक, इसी तरह से हम बैक का भी करेंगे। सेम आपको शोल्डर में आपको टेप रखना है और सेंटर पे आपको जितना भी आपको लेंथ चाहिए, ये 8 इंच की है, अगर आपको 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच जो भी आपको चाहिए आप इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी कुर्ती के लिए बॉडी की जो है मेजरमेंट्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने पूरा बॉडी का मेजरमेंट लिया, जिस हिसाब से अगर हम कपड़ा कट करेंगे तो हम इस तरह से मेजरमेंट डालेंगे। देखिए लेंथ में हम 2 इंच या फिर 3 इंच ऐड करेंगे, जब शोल्डर है उसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। देखिए चेस्ट पे मैंने यहाँ पर 2 इंच का लूजिंग ऐड किया है और बस्ट पे 1/2 इंच का लूजिंग ऐड किया है और यहाँ पर वेस्ट में 2 इंच का देना है और हिप में भी 2 इंच का ही लूजिंग ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ऐड करने के बाद ये जो मेजरमेंट्स इस तरीके से हैं। जब हम कपड़ा कट करेंगे तो ये मेजरमेंट्स डाल के हम उसके बाद हम सीम अलाउंस लेंगे और कपड़ा कट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी, यही मेजरमेंट को किस तरह से हम पेपर पर लेके कट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।